अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सोशल स्टडीज क्लास 6 लेसन नंबर 5 द लैंड एंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 19 फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट मीन जंगलात। लेस देन 5% ऑफ पाकिस्तान इज नाउ फॉरेस्ट। अब पाकिस्तान का 5% से भी कम हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। इन द पास्ट मच ऑफ द कंट्री वॉज कवर्ड विद ट्रीज। माजी में मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा दरख्तों से कवर था या वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त थे। बट मोस्ट ऑफ दीज हैव बीन कट डाउन लॉन्ग अगो फॉर फायरवुड आर बिल्डिंग। लेकिन बहुत अर्सा पहले से इनमें से ज़्यादातर जंगलात को या दरख्तों को काट दिया गया है। किसके लिए? फायरवुड मतलब आग के लिए इस्तेमाल करने के लिए और बिल्डिंग या इमारत में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। लेकिन बहुत अरसे से इन जंगलात को काटा गया है आग के लिए और इमारतों में इस्तेमाल करने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिमेनिंग फॉरेस्ट आर इन द नॉर्थ। ज़्यादातर अहम जंगलात जो रह गए हैं वो नॉर्थ में है, मतलब शुमाली इलाकों में है। वेयर देर आर बिग पाइन्स सिदार एंड ओक्स, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पाइन के दरख्त हैं, सिदार के और ओक के दरख्त हैं। मोस्ट ऑफ द अदर फॉरेस्ट आर ऑफ स्मॉलर ट्री। ज़्यादातर जो दूसरे जंगलात हैं वहाँ पे छोटे दरख्त होते हैं। विच आर स्टिल यूज इन विलेज, जो कि अभी भी गांव के इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। मेनली फॉर फायरवुड, खसूसन आग को जलाने के लिए, ठीक है। वो जितने भी जंगलात गाँव के नज़दीक के इलाकों में होते हैं वहाँ पर जो दरख्त हैं उनको काटा जाता है और उनकी लकड़ी से आग जलाई जाती है। Some trees grow along the bank of rivers and canals. कुछ दरख्त उगते हैं दरियाओं और नहरों के किनारों पे, ठीक है। बैंक्स ऑफ रिवर एंड कैनाल मतलब जो उनके किनारे होते हैं, उनके साथ साथ जो एरिया होता है उसको, वहाँ पे ये दरख्त उगते हैं। वेयर देयर रूट्स हेल्प टू स्टेबलाइज द सॉइल, जहाँ पे उनकी जड़ें मट्टी को मुस्तहकम या मजबूत रखने में मदद देती हैं, ठीक है। अब जो दरख्त होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन तक दूर तक फैली होती हैं, जिसकी वजह से वो मट्टी को मजबूती से पकड़ के रखते हैं, मतलब कि वहाँ पे जो दरियाओं और नहरों के किनारों की जो मट्टी है उनको गिरने नहीं देते, ठीक है। सम ट्रीज आर ग्रोन इन स्पेशली इरीगेटेड लैंड, कुछ दरख्त उगते हैं ख़ास तौर पर आपाशी के इलाकों में। द टिम्बर इज़ यूज मेनली फॉर बिल्डिंग, पेपर मेकिंग, फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब जो टिम्बर है वो ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल होता है? बिल्डिंग में, इमारतों में, कागज़ के बनाने में, फर्नीचर बनाने में और खेलों का सामान बनाने में टिम्बर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब खेलों का सामान में क्या क्या चीज़ें हैं? सच एज क्रिकेट बैट्स एंड हॉकी स्टिक, जैसा कि क्रिकेट का बैट हो गया और हॉकी का स्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें टिम्बर से ही बनाई जाती हैं। पाकिस्तान हैड टू इम्पोर्ट मोर देन ₹23 मिलियन वर्थ ऑफ वुड फॉर बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री इन 2005। 2005 में पाकिस्तान ने 23 मिलियन से भी ज़्यादा रकम की लकड़ी को इमारतों में इस्तेमाल करने के लिए और संतों में इस्तेमाल करने के लिए दरामद किया, ठीक है, बाहर से मंगवाया। अनकंट्रोल्ड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। दरख्तों की बेकाबू कटाई पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली खसूसन इन द नॉर्थ शुमाली इलाकों में, ठीक है। शुमाली इलाकों में दरख्तों की बेकाबू कटाई पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रीज आर वाइटल फॉर द सॉइल, ज़मीन के लिए दरख्त बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, स्पेशली इन हिली कंट्रीज, खसूसन पहाड़ी इलाकों में। द रूट्स बाइंड द सॉइल टुगेदर, जड़ें मट्टी को मजबूती से जोड़कर रखती हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम बात यह है, द लीव्स अलाउ रेन टू ट्रिकल स्लोली ऑन टू द ग्राउंड बीनीथ। अब सबसे अहम बात क्या है कि जो सबसे अहम बात वो ये है कि जो पत्ते हैं उन दरख्तों के वो बारिश को आहिस्तगी से नीचे ज़मीन पर गिरने देते हैं, ठीक है। इफ़ द ट्रीज आर रिमूव्ड, अगर दरख्त ख़त्म कर दिए जाएँ, द हैवी रेन हिट्स द सॉइल डायरेक्टली, तो जो तेज़ बारिश है वो सीधी ज़मीन पर गिरे, एंड वाशेज इट अवे, और इसको मट्टी को बहा कर ले जाए, लीविंग स्टोनी एंड इनफर्टाइल लैंड। और उसके बाद अगर ऊपर की मट्टी को वो बहा के ले जाएगी तो उसके बाद पथरीली और
इनफर्टाइल का मतलब होता है जो कम जरखेज होती है, जो जरखेज इलाका नहीं होता उसको कहते हैं इनफर्टाइल लैंड रहते हैं। ठीक है, अगर बारिश तेजी से जमीन पर सीधी पड़ेगी तो वो पानी को ऊपर वाली मिट्टी को बहा कर ले जाएगी और पीछे जो है पथरीली और गैर जरखेज जमीन रह जाएगी। वंस द ट्री कवर हैज बोर्न, एक बार अगर दरख्तों का कवर ख़त्म हो जाए या दरख्त ख़त्म कर दिए जाए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिप्लेस इट सेटिस्फैक्टरीली, तो उनको मुतमिन तौर पर दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। हाउएवर ताहम द गवर्नमेंट हैज़ अ मेजर प्रोग्राम ऑफ प्लांटिंग न्यू फॉरेस्ट, ताहम हकूमत का नए जंगलात लगाने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ वाटर इरोजन इन चित्राल। ठीक है, इन 1998 इट प्लांटेड अबाउट 35,000 हेक्टर्स विद 15 मिलियन ट्रीज। 1998 में 35,000 हेक्टर का जो एरिया था वहाँ पे 15 मिलियन दरख्त लगाए गए। इन 2007 और 2007 में 95 मिलियन यंग ट्रीज वर प्लांटेड, 95 मिलियन नए दरख्त लगाए गए। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट, डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स, अब डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान सहरा और माउंटेन्स पहाड़ी इलाके। दीज फार्म अबाउट 42% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान, अब पाकिस्तान का जितना टोटल ज़मीन है जितना एरिया है उसमें से 42% जो है वो डेजर्ट्स और माउंटेन्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, 42% जो पाकिस्तान का एरिया है वो डेजर्ट रेगिस्तानों और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। द क्लाइमेट हेयर इज़ टू एक्सट्रीम टू इंकरेज एनी फार्मिंग और एग्रीकल्चर, यहाँ की जो मौसम है, यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है कि वहाँ पर खेती बाड़ी या ज़रात करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एंड वेरी हॉट इन समर, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म, एंड टू ड्राई थ्रू आउट द ईयर, और पूरा साल बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। इरीगेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन द माउंटेनियस एरियाज, आपाशी जो है वो पहाड़ी इलाकों में मुमकिन नहीं है, एंड द ग्राउंड इज़ नॉट फर्टाइल, और जो ज़मीन है वो जरखेज नहीं है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे, स्पेशली द थल डेजर्ट्स ऑफ पंजाब, खसूसन जो पंजाब का थल का रेगिस्तान है, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन लार्ज प्रोजेक्ट्स टू रिक्लेम द डेजर्ट बाय इरिगेशन, अब वो कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में खसूसन जो पंजाब का थल का रेगिस्तान है वहाँ पे हुकूमत बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए ये काम कर रही है कि वहाँ पे आपाशी की जाए एंड टर्न इट इन टू यूजेबल फार्म लैंड, और उस रेगिस्तान को दोबारा ज़रई इस्तेमाल के लिए उसको काबिल बनाया जा सके। बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा काम है। ठीक है, इस पर ऊपर जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज वेस्ट एंड स्क्रब लैंड, फालतू और झाड़ियों वाली जो ज़मीन होती है उसको स्क्रब लैंड कहा जाता है। दिस फार्म्स अबाउट 16% ऑफ पाकिस्तान, अब वेस्ट यानी कि फालतू और जो जड़ी बूटियों का इलाका है वो तकरीबन पाकिस्तान का 16% हिस्सा है। ठीक है, पाकिस्तान का 16% एरिया जो ज़मीन है वो वेस्ट एंड स्क्रब है। इट हैज़ पुअर सॉइल, यहाँ की ज़मीन कम जरखेज़ है, एंड वेरी लिटिल रेन, और बहुत कम बारिश होती है। बट इट विल ग्रो रफ ग्रास एंड सम टफ शर्ब्स, और लेकिन यहाँ पे रफ ग्रास मतलब घास फूस उगती है और बहुत सख्त जड़ी बूटियाँ उगती हैं। इट इज़ यूज मेनली बाई पीपल वॉन्डरिंग विद हर्ड्स ऑफ गोट्स एंड शीप्स, और ये ज़मीन उन लोगों वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो अपने बकरियों और भेड़ों के रेवड़ के साथ इधर एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते हैं। विच आर एबल टू लिव ऑन द पुअर वेजिटेशन, जो कि इस काबिल होते हैं कि वो थोड़ी घास पर भी या थोड़े पौधों पर भी गुजारा कर सकें, स्पेशली इन द हाई पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान, खसूसन जो पाकिस्तान का मगरबी इलाका है वहाँ के ऊँचे पहाड़ी जो सिलसिले हैं वहाँ पे ये होती है। एज यू कैन सी हियर दिस इज़ अ स्क्रब लैंड इन बलोचिस्तान, के बहुत कम जड़ी बूटियाँ हैं, कहीं कहीं घास उगी हुई है। ठीक है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम वॉन्डरिंग विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, अब जो हुकूमत है वो ये कोशिश कर रही है कि वो लोगों को अपने रेवड़ों
और जानवरों के रेवड़ों के साथ इधर से उधर फिरने से रोक गए, स्पेशली गोड्स इनटू एग्रीकल्चरल एरिया, खसूसन बकरियों को अपने ज़रई इलाकों में, ठीक है, ज़रई इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह फिर आने जाने से रोक भी दिया। दीज टफ शीप्स हाउएवर डू हैव वन एडवांटेज, देयर कोर्स हार्डी वूल इज एक्सीलेंट फॉर मेकिंग कारपेट्स। अब ये जो भेड़े हैं इनका एक ही फ़ायदा है कि इनकी जो खाल है, वूल है, उसे बहुत आला किस्म के कालीन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फार्मलैंड, ज़रिए इलाका या खेती बाड़ी करने वाला इलाका, फार्मलैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फार्म अबाउट 37% ऑफ पाकिस्तान लैंड एरिया। अब जो पाकिस्तान का टोटल एरिया है उसमें से 37% एरिया ज़रिए इलाका है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज अ मेन ऑक्यूपेशन फॉर द मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी का जो अहम पेशा है वो ज़रात है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़रिए चीज़ें, आइदर रॉ मटेरियल चाहे वो पाम माल में हो, सच एज कॉटन राइस एंड फ्रूट आर गुड्स मेड फ्राम देम। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मतलब जो एग्रीकल्चर से चीज़ें हासिल होती हैं, ज़रात की जो चीज़ें हैं चाहे वो पाम माल में है, जैसा कि कॉटन, रुई, राइस, चावल एंड फ्रूट या फल वगैरह हैं, एंड आर गुड्स मेड फ्राम देम, और वो चीज़ें जो इनसे बनाई जा सकती हैं। क्लॉथ, क्लॉथिंग, टॉवलिंग, रग्स, फुटवेयर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कपड़े, क्लॉथिंग मतलब कपड़े बनाना, टॉवलिंग तौलिए, रग्स, कालीन, फुटवेयर, जूते एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और खेलों का जो सामान है, मेकअप अबाउट 85% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट, ठीक है। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है, जो यहाँ पे से बरामदाद की जाती हैं, वो 85% इन चीज़ों पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। उनमें कपड़े आ जाते हैं, तौलिए आ जाते हैं, कालीन, जूते और खेलों का सामान का जो ये सारी चीज़ें मिला के 85% जो पाकिस्तान की बरामदाद है वो इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। ओवर 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन द कंट्री साइड, पाकिस्तान के जो 2/3 एरिया है, आबादी है, वो देही इलाकों में रहती है, देहाती इलाकों में रहती है, एंड ऑलमोस्ट हाफ द वर्क प्लेस इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और उनमें से आधी जो आबादी है वो ज़रात से मुंसलिक है, भैया ज़रात से उनका रोज़गार चलता है, ठीक है। आज के लिए हम अपना लेसन यहाँ तक ही रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।